एक बात बताइए कि मोदी जी के कहने से सब लोग चाय थोड़ी ना बेचेंगे, तो फिर यूपीएससी क्यों बनाई गई है, आईएएस क्यों बनते हैं, पीसीएस क्यों बनते हैं, यूपीएससी क्यों एग्जाम कराती है, सब लोग को छोड़ दे चाय पीने के लिए। ये समानता का अधिकार होगा कि सब भारत के लोग चाय ही बनाए। मोदी जी को ये समझना चाहिए कि ये आंदोलन के वजह से ही इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ है, और 2014 में भी एक आंदोलन हुआ था जिसकी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर, संसद से कुछ ही दूर मीटर दूरी पर। सामने पोस्टर है, देश के युवाओं के साथ न्याय करें, जो कोविड के चलते यूपीएससी या पीएससी वगैरह में जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम थे एसएससी बैंकिंग में, उसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे कि लोग यहां पर आए हुए हैं जिनकी डिमांड है एज रिलैक्सेशन की, तो इन्हीं से जानेंगे क्या मामला है और किस तरीके की डिमांड है। क्या मामला है सर और क्या आपकी डिमांड है? हमारी डिमांड है दो एक्स्ट्रा टाइम सबके देने के लिए, क्योंकि जो दो साल स्टूडेंट्स के कोरोना के पीरियड में बर्बाद हुए हैं उसके एवेज में दो अटेम्प्ट एक्स्ट्रा, और दो साल की एज, क्योंकि एज जो एज जनरली क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया के जो लड़के होते हैं तो वो पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद तैयारी वगैरह ये सब का सोचते हैं। तो जैसे मैंने ही है, मैंने पहले 5 साल जॉब की, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे यूपीएससी अटेम्प्ट देने का सोचा, बट लास्ट के मेरे दो अटेम्प्ट इसमें ही चले गए कि कोविड की वजह से, और मेरे वैसे अटेम्प्ट अभी भी बचे हुए हैं लेकिन एज की वजह से मेरा कम्प्लीट हो गया है। तो बस एज दो साल के एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं और ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, सारे एग्जाम्स में ऐसा हुआ है, तो सारे एग्जाम्स के लिए। क्यों लगता है कि आपको दूसरा मौका मिलना चाहिए? जिस तरीके से रोज़गार नहीं है तो जो और युवा पीढ़ी है उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम लोग रोज़गार नहीं मांग रहे हैं, हम तो ये अटेंड मार रहे हैं, उसमें हम हों सिलेक्ट हों या ना हो वो अलग की बात, लेकिन हमें फेयर चांस तो मिलना चाहिए। मेरा भी 2021 वाले में मेंस मैंने दे रहा था, उस मेंस के जस्ट मेंस जैसे था 7 जनवरी से, तो 4 को मुझे फीवर हो जाता है, कोविड स्टार्ट हो जाता है थर्ड वेव वाला, तो उसमें तो पूरा मेरा अटेम्प्ट उसमें चला गया और उसमें परफॉर्मेंस नहीं हो पाया अच्छा, तो ये सब कोविड की वजह से हुआ। अगर मेरी वजह से होता तो वो फिर मेरी जिम्मेदारी है, जो कोविड फैला हुआ है पूरे देश को जिसने बर्बाद किया है, तो उसमें सब सारे सेक्टर्स को दिया गया है कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन, इंडस्ट्रीज़ को अलग से बेनिफिट दिए गए हैं, स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं दिए गए हैं। नहीं तो जब कोविड की लहर थी उस टाइम पे सब लोगों ने बलिदान दिया, तो जैसे डॉक्टर थे, नर्सेस थी, पत्रकार थे, उन लोगों ने अपनी जो है बलिदान दिया देश के लिए, लोगों की सेवा में, तो आप लोग भी उसमें सोचिए कि हमने बलिदान दे दिया। नहीं तो हम उसमें ये थोड़ी मांग रहे हैं कि हमें जॉब दे दीजिए, सेकेंड अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट ही तो मांग रहे हैं, फेयर चांस ही तो मांग रहे हैं। यूपीएससी का मतलब ही होता है कि सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, ये जो सिविल सर्विस जो आईएएस बनते हैं उसमें यही उनको सिखाया जाता है कि फेयर चांस होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, सारी चीज़ें, और अगर हमें ही नहीं मिल सकती हैं तो फिर ये किस काम का है बताइए। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर क्यों चाहिए आपको दूसरा अटेम्प्ट? देखिए समर दी अदर वे, यहाँ पे जितने भी आप लोग आपको लोग दिख रहे होंगे वो सारे स्टूडेंट्स हैं। समर दी अदर वे वो बुरी तरीके से कोरोना से अफेक्टेड रहे हैं, किसी घर वाले गुजर गए, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी पे कट हो गई, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ ओआरएन में रह के मुखर्जी नगर में पढ़ाई करते थे, अचानक से एक दिन आदेश आया कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है, बच्चों ने ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स में दिक्कत हुई, लोग तो साइकिल से घर जा रहे थे, लोगों ने अपनी किताबें यहीं छोड़ी और चले गए घर। अब बताइए जब किताबें नहीं होंगी, कोचिंग्स बंद हो गए, और गांव देहात के जो बच्चे आके दिल्ली में पढ़ाई करते हैं उनके पास तो ऑब्वियसली लैपटॉप और इंटरनेट सुविधा ज़्यादा तो होती नहीं है गांव में, और होती भी है तो टूटी फूटी, उससे आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि उस कोविड के दौरान विद्यार्थी वर्ग है वो बुरी तरह क्या करेंगे, आईएएस आईपीएस बन के पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए और नेता बनिए और देश को चलाइए। ठीक है सर, नेता बनने का तो बस की बात है नहीं, वो तो हो नहीं सकता, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मोदी जी एक चाय बेचने वाले शख्स देश के पीएम बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? नहीं, बनने को तो पीएम क्या, राष्ट्रपति सब बन सकते हैं, लेकिन बनना नहीं चाहते ना, वो अपनी अपनी टेम्परामेंट होती है, हमारी टेम्परामेंट सिविल सर्वेंट ही बनने की है, हमें लोगों को सर्व करना है एज अ सिविल सर्वेंट, ताकि इंसान जहाँ भी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जहाँ भी प्लेस हो, वहाँ के लोग जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसको बराबर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए।
हमें सरकार के लिए काम करना है, हम खुद सरकार नहीं बनना चाहते। लेकिन आजकल जैसा माहौल है, लगता है आपको जो आईएएस है, आईपीएस है, डीएमएसपी है, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं या सरकार के लिए? काम तो उन सोशल मीडिया पर कई ऐसी चीजें वायरल होती है जहाँ पर ये देखा जाता है कि एक अधिकारी जो है किसी खास पार्टी के चलते वो जनता पर दबाव बना। देखिए, ऐसे कुछ एक एग्जांपल्स तो सर्टेनली हो सकते हैं, पर किसी भी सिविल सर्वेंट का काम यही है सरकार की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करते वक्त ईमानदारी बरतनी चाहिए, और यही ध्येय हमारा जिसकी वजह से हम यहाँ आके बैठे हैं, जिसकी वजह से हम लोग प्रयासरत थे ताकि हम एग्ज़ाम लिख सकें, और आगे भी अगर मौका मिलता है जिसके तहत हम लोग प्रयासरत हैं, तो अगर मौका मिलता है तो श्योरली हम एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करेंगे और अपने जनता की सेवा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेता नहीं बनना हमें। मैम, क्यों लगता है आपको दूसरा मौका मिलना? क्योंकि कोविड जो है वो कई साल में एक बार आने वाला पैंडेमिक है, और जिसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था, गवर्नमेंट भी प्रिपेयर नहीं थी, लोग भी प्रिपेयर नहीं थे। गवर्नमेंट के तरफ से बहुत खामियां हुई हैं जिसको कि हम लोग अवॉइड किए हैं। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स को रिलैक्सेशन दिया है, जैसे कि फार्मर हुए, बिजनेसमैन हुए, टैक्स में बहुत सारी छूट दी, लेकिन हम लोग जो है वो सबसे नीचे में आते हैं, जिसको कि जिसकी वॉइस को गवर्नमेंट अक्सर इग्नोर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के सुप्रीम कोर्ट ने बोला था लीनियंट व्यू लेने, गवर्नमेंट की खुद की कमिटी ने एज रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अभी हमारी डिमांड को कंसिडर नहीं कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग बहुत कम उसमें हैं। बट उन्हें ये नहीं पता है कि ये जो न्यू इंडिया है, चाहे विश्व गुरु है, वो हम लोग ही आगे जाकर के इंडिया को बनाएंगे। तो अगर हमारे ही डिमांड को सप्रेस किया गया, तो ये उनके जो विजन है न्यू इंडिया का, विश्व गुरु बनाने का, वो उसको एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं, उसको शायद कहीं ना कहीं से वो कम करने की। हाँ, इग्नोर कर रहे हैं। अभी करोड़ों रुपये का वो सांसद बनवा रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए मोदी जी। नहीं तो ये अभी आपने बोला था ना कि पकौड़ा बेच के, तो आप कोई भी एक रैशनल इंसान कभी ये नहीं बोलेगा कि आप पकौड़ा बेच करके न्यू इंडिया बना दोगे या विश्व गुरु बना दोगे। अगर विश्व गुरु बनना है, न्यू इंडिया बनना है, तो आपको सभी सेक्शन जो है सोसाइटी के, सबको इक्वली इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। अगर कोई पकौड़ा बेचना चाह रहा है तो आप उसको पकौड़ा बेचने में प्रमोट करो। कोई सिविल सर्वेंट बनना चाह रहा है तो आप उसको सिविल सर्वेंट बनाओ। अगर सिविल सर्वेंट को आप पकौड़ा बेचवा दोगे तो वो उसमें बेस्ट नहीं दे पाएगा, और पकौड़ा बेचने वाले को सिविल सर्वेंट बना दोगे तो वो उसमें बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो विश्व गुरु बनने के लिए सबकी डिमांड को सुनना ज़रूरी है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि आईएएस आईपीएस बनना चाहिए, जबकि आज के ऐसे हालात हैं जो पूर्व आईएएस है या आईपीएस है, वो कह रहे हैं कि सरकारें, अब सरकारें खुलकर काम करने नहीं दे रही है इंडिपेंडेंटली? देखिए, जो भी सरकार है, ठीक है, जो भी सरकार थी या जो भी सरकार है, दोनों में ही ये रहा है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्पररी में हमेशा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होते रहा है। ठीक है, जो आईएएस सिविल सर्वेंट होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो नेता वगैरह होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। तो दोनों के ईगो में क्लैश होते रहता है, फिर भी दोनों कुछ ना कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सरकार ज़्यादा ज़रूरी है, सिविल सर्वेंट कम ज़रूरी है, या सिविल सर्वेंट ज़्यादा ज़रूरी है, सरकार कम ज़रूरी है। थोड़ा बहुत नोकझोंक होता रहेगा, लेकिन कंट्री का डेवलपमेंट अभी तक होता रहा है और आगे भी होगा, दोनों के ही कंट्रीब्यूशन से। मोदी जी संसद में कहते हैं कि ये लोग जो है इस तरह के जो प्रदर्शन वगैरह करते हैं, ये आंदोलन जीवी है, जबकि जो मेरिट है जिसके पास, उसको नौकरी की या किसी चीज़ की कमी नहीं। नहीं तो मोदी जी को ये समझना चाहिए कि ये आंदोलन के वजह से ही इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ है, और 2014 में भी एक आंदोलन हुआ था जिसकी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मैं खुद बनारस से हूँ, मोदी जी का पता होगा कि बनारस का उसमें कितना बड़ा रोल भी रहा है। तो कभी भी सभी आंदोलनकारी जो है वो ऐसा नहीं है ख़राब होते हैं, कुछ होते होंगे, पर आपको आपका एज इतना ज़्यादा है, आप उस पोस्ट पर हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि किसको एक्चुअल में ज़रूरत है और कौन जो है वो थोड़े एंटी सोशल एलिमेंट है। आपको हमारी ये एक्टिविटी देख के नहीं लग रहा होगा कि हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट है, हम लोग बहुत काम और पीसफुल वे में अपनी डिमांड रेज कर रहे हैं, और बहुत साल से रेज कर रहे हैं, जिसको कि तमाम जो ढेर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा लोकसभा के, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। DRC की रिपोर्ट से भी इस चीज़ को सपोर्ट मिला है, और सुप्रीम कोर्ट का भी सपोर्ट है। बस अब देखना है कि गवर्नमेंट कब इसको अप्रूव करती है। चलिए, तो और लोगों से बात करेंगे, जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर, क्या लगता है भैया आपको, क्यों आपको दोबारा मौका मिलना चाहिए? इसलिए कि हम लोग प्रभावित हुए हैं कोविड से,
और सपोज करिए कि जिन छात्रों को 2024 में या 2023 में एग्जाम देना है, तो क्या हम लोग जो प्रभावित हुए कोविड में उसी तरीके से वो एग्जाम देंगे कि उनको ज़्यादा मतलब आराम मिलेगा? तो हम लोग मानसिक तौर पे प्रभावित हुए और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमें बराबरी का मौका दे, क्योंकि हम बराबरी के माहौल में एग्जाम नहीं दे पाए। आप समझिए, प्रकृति ने ऐसी आपदा फैलाई कि हम लोग बराबरी का मौका नहीं। उस टाइम पे देखिए डॉक्टरों ने, तमाम लोगों ने सेक्रीफाइस किया जो अपने लेवल पे कर सकता था। जी जी, तो हम लोगों ने भी किया। आपको स्पेशल क्यों मौका मिला? डॉक्टरों ने क्या सेक्रीफाइस किया? डॉक्टरों ने अपना काम किया। गवर्नमेंट ने सारे देश के गरीब वर्ग को अनाज पहुंचाई। अब ये सवाल उठ सकता है क्यों पहुंचाई? जीने का अधिकार है ना, रोजगार भी फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार है। तो रेहड़ी पटरी वालों को सरकार ने लोन दिया, पैसा दिया, जो मजदूर वर्ग थे उनको पैसा दिया, जो कंपनी से निकाले गए थे उनको दिया, सबको दिया, अनाज बांट रही है आज भी। क्यों बांट रही है? कोविड के चलते ही ना, इसके पहले उसने मास लेवल पर तो बांटी नहीं, नहीं किसी गरीबों को उस तरीके से मदद किया जो कोरोना काल में हुआ। तो क्यों किया? सरकार को पता है कि जनसंख्या कहाँ पे है। हम लोग क्या है कि एक छोटी जनसंख्या है और हम लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को दो अटैम्प्ट एक्स्ट्रा मिले और विथ एज रिलैक्सेशन मिले, यही हम लोग की डिमांड। तो सर एक बात बताइए, पीएम मोदी जी कहते हैं कि रोजगार के लिए जरूरी नहीं है कि एसएससी जीडी या यूपीएससी क्लियर करें, आप चाय बेचकर पकौड़ा बेचकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। खासकर जो युवा वर्ग है उनका इसी पे जोर है कि जो युवा वर्ग है उसको आत्मनिर्भर बनाना है, आप उसको फॉलो नहीं करते। देखिए, इस बात का मोदी जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि मोदी जी के कहने से सब लोग चाय थोड़ी ना बेचेंगे, ठीक है? तो फिर यूपीएससी क्यों बनाई गई है? आईएएस क्यों बनते हैं? पीसीएस क्यों बनते हैं? यूपीएससी क्यों एग्जाम कराती है? सब लोग को छोड़ दे चाय बनने के लिए? ये समानता का अधिकार होगा कि सब भारत के लोग चाय ही बनाए, ठीक है? पकौड़ा भी है, जो भी आप कह रहे हैं, आप ही जो कह रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है? तो जो उसके लायक है वही बनाए, जो जिसके लायक है। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम ही हमारे ही साथी कई आईएएस बने हैं, कई पीसीएस बने हैं, कई आईपीएस बने हैं, कई राज्यों में बने हैं, ठीक। देश के प्रधानमंत्री देश को मजबूत करने में, दुनिया भर में डंका बजाने में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का संसद बनवा रहे हैं, आप लोग डबल अटेम्प्ट मांग रहे हैं। क्या कहते हैं? डबल अटेम्प्ट क्यों मांग रहे हैं? ये मजबूत, ये बताइए कि कल हम लोग प्रशासन में आएंगे तो ये उनके लिए मजबूती की बात नहीं होगी क्या? हम लोग कमजोर करने के लिए प्रशासन में आते हैं क्या? जो भी लोग हैं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इसका मतलब वो सरकार को कमजोर करते हैं? ऐसी बात नहीं है। हम लोग सरकार को मजबूत बनाने के लिए अपना पार्टिसिपेशन चाहते हैं और ये हमारा हक है। जो संविधान के द्वारा स्थापित संस्था है यूपीएससी, वो हमको करती है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग 2 बार गए, दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, ये सरकार का मामला है, हम उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सरकार में एक दायरा होता है, तीनों जो सरकार के अंग हैं जो डेमोक्रेसी के, तो इसलिए सरकार ने कहा कि गवर्नमेंट को लीनियन व्यू अपनाना चाहिए, छात्रों के हित में होना चाहिए और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अब ये सरकार के हाथ में है, अगर कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है वो इसको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए राजी नहीं होते हैं, तब आप क्या करेंगे? तैयार होंगे मानेंगे? कोर्ट, मुझे विश्वास है कि कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप अटेम्प्ट मत दो, ये कोर्ट कह ही नहीं सकता है। कोर्ट ने जब पहले ही कह चुका है कि आप सरकार को कहा है कि आप लीनियंट व्यू अपनाइए, लीनियंट व्यू का मतलब है कि छात्रों को हित को देखते हुए आप फैसला करिए। अब सरकार से हमारी डायरेक्ट डिमांड है, हाँ, इसमें हार कहाँ हुई सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट तो अपने ऐसा अगर फैसला आ जाता है, क्या फैसला आ जाता है कि आपको मौका नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से अगर आ जाता है इन फ्यूचर, क्योंकि अगर दोबारा करें तो हमारा डिमांड है। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन हम लोग डिमांड तो लास्ट तक करेंगे। जी चलिए, तो इनका साफ कहना है कि डिमांड है और डिमांड आखिरी तक होगी, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन क्या लगता है सर आपको कि दूसरा अटेम्प्ट ज़रूरी है, किस लिए? बिल्कुल ज़रूरी है कि जब कोरोना में सारे लोग प्रभावित हुए थे, पूरा देश, वो तो सब लोग बता ही रहे हैं, लेकिन ज़रूरी क्यों है? आज देश जो है तरक्की कर रहा है, विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, करोड़ों रुपए का संसद बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया,
फिर भी आपको लगता है? नहीं तो उससे और उसका क्या मतलब, जब स्टूडेंट अफेक्ट हुए हैं कोविड के काल में, कुछ लोगों का जो पर्सनल हानि हुई है, राष्ट्रहित में इतना तो बलिदान दे ही सकते हैं। ये इस बलिदान से क्या होगा, हम क्या राष्ट्रहित के लिए कर रहे हैं ना? नहीं तो राष्ट्रहित के लिए कर रहे हैं ना, स्टूडेंट अगर उनको मौका मिलेगा एग्जाम में तो राष्ट्रहित के लिए ही कुछ करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि राष्ट्र के अगेंस्ट में कुछ बातें करेंगे। भाई सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए, उसी के लिए हमारी मांग है, और सारे जो क्षेत्र है सबको रियायत दी गई है तो फिर स्टूडेंट को क्यों नहीं? और ऐसे यूपीएससी के ऐसे भी जो बच्चे होते हैं वो जो लेट प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जॉब होता है, फीमेल कैंडिडेट्स को और प्रॉब्लम होती है, शादी के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे भी है कि जो दो साल में कोरोना आया उन लोगों के लास्ट के अटेम्प्ट थे, कुछ लोग इसेंशियल सर्विस में होते, डॉक्टर्स थे, पुलिस में थे, तो उनको तो देना ही चाहिए ना, राष्ट्रहित की बात है, गलत क्या है इसमें? राष्ट्रहित की बात है, लेकिन आप आत्मनिर्भर भी तो बन सकते हैं ना। आत्मनिर्भर मतलब ये किस सेंस में बोल रहे हैं? एग्जाम के लिए बैठने के जॉब तो नहीं मांग रहे ना, एग्जाम में बैठने का तो एग्जाम लिखेंगे, किस लिए लिखेंगे? अल्टीमेटली मिलेगी तो जॉब ही ना, अगर आप आईएएस बन जाते, आईपीएस बन जाते, आईपीएस बन जाते तो भाई तो रोजगार के लिए कर रहे हैं ना। नहीं रोजगार नहीं है, एक यूपीएससी वाला जो एग्जाम्स है वो एक रोजगार का साधन नहीं है, रोजगार तो बहुत है। हाँ ठीक है, वहाँ पे देश के लिए करने का एक ये ड्यूटी नहीं है, ये सर्विस है, ठीक है ना, ड्यूटी और सर्विस में बहुत डिफरेंस है, तो लोग उस हिसाब से आते हैं वहाँ पे। सर्विस ही अगर करनी है तो चाय बेच के आप पीएम बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, वहाँ भी सर्विस है, वहाँ भी जनता की सेवा। हाइपोथेटिकल बात है कि चाय बेच के और ये सब सारी चीजें करके बन सकते हैं। एग्जांपल है हमारे सामने पीएम का ना, हमारे सामने एग्जांपल है। नहीं नहीं एग्जांपल कहाँ है बताइए, एक ही है, मोदी साहब खुद चाय बेच के बने। अरे देखिए मैं यही बात बोलूँगा कि ये सब हाइपोथेटिकल बातें और उन सब से हमारा कोई ये लेना देना नहीं, फेयर एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम लोग, बस फेयर चांसेस चाहिए। हाँ बस चलिए, तो यहाँ पर लगातार इनका यही कहना है कि फेयर चांस मिलना चाहिए। जैसे अभी आपने पूछा था कि जॉब तो कोई भी मतलब आप जॉब ही तो लेंगे आकर, ठीक है, तो जॉब यहाँ यूपीएससी आईएएस बनना आईपीएस बनना ये जॉब नहीं है। मैं जॉब करता था, मैंने 5.5 साल जॉब की है टाटा स्टील में, उसके बाद मैं 28 साल की उम्र में फिर मैं रिजाइन करके फिर मैं तैयारी करने आया यूपीएससी की। मैंने सिर्फ अपने अटेम्प्ट ही नहीं दे पाए पूरे, और जो लास्ट के जो दो अटेम्प्ट थे एज की वजह से, मतलब एज वाइज तो मेरे अटेम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं बट वैसे मेरे बच्चे हुए हैं अटेम्प्ट, लेकिन लास्ट के जो दो अटेम्प्ट हैं वो कोविड की वजह से ही भेंट चढ़ गए। और ये जो जॉब है ये जॉब नहीं है, ये अपना सर देश की सर्विस करने का ही एक तरीका है। और आप बोले तो कई तरीके होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई जो किसान है वो अपनी तरीके से देश की सेवा कर रहा है, सिपाही है वो अपनी तरीके से कर रहा है, आर्मी वाले हैं वो अपनी तरीके से कर रहे हैं। हर आदमी का एक इंटरेस्ट होता है वो किस क्षेत्र में करना चाहता है, हमारा इंटरेस्ट इस क्षेत्र में है। अगर आप सचिन तेंदुलकर को बोलते कि आप पुलिस वाले बन के सारी सेवा करिए तो नहीं कर पाते ना, उनका इंटरेस्ट था कि क्रिकेट खेलना है, उन्होंने उससे देश की सेवा की। हमारा आईएएस बन के करने का है सर, सेवा करने का मोटिव है, तो हम उस तरीके से बेटर कर सकते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। चलिए तो इनका साफ साफ कहना है कि दूसरा दो अटेम्प्ट और मिलने चाहिए, फेयर चांस मिलना चाहिए, जिस तरीके से कोरोना के चलते एग्ज़ाम डिले हुआ और इन लोगों की मजबूरियां थी, फैमिली की मजबूरियां थी, तो फेयर चांस फिर से मिलना चाहिए, ये डिमांड है जंतर मंतर पर, यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और इनकी सिर्फ यूपीएससी में नहीं है, और भी जो एग्ज़ाम है एसएससी या बैंकिंग के जो एग्ज़ाम है, जहाँ पर कोरोना के चलते उनको उनके साथ थोड़ा भेदभाव हुआ है या उनको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला है, तो उसको लेकर फेयर चांस की ये डिमांड रख रहे हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर से आपको दिखा रहे थे, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनहित आवाज़ दिल्ली।